हेलो दोस्तों, यूनिक टीएलएम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नया टॉपिक लेकर आई हूँ, गति के प्रकार। जैसा कि बच्चों को हमें बताना है कि गति कितने प्रकार की होती है, दोलन गति, वृत्तीय गति, सरल रेखीय गति, आवर्ती गति, घूर्ण गति। इसमें मैं सबसे पहले बताऊंगी सरल रेखीय गति। वह गति जो सरल रेखा में होती है उस गति को हम कहते हैं सरल रेखीय। जैसे रेलगाड़ी एक सरल रेखा में चल रही है, मोटर गाड़ी सरल रेखा में चल रही है, तो इस टाइप की गति क्या कहलाएगी? सरल रेखीय। इसमें हम बच्चों को एक छोटी सी कार लेके उसके द्वारा बता देंगे कि देखिए ये कार किस तरह से चल रही है, एक सरल सीधी रेखा में चल रही है, और इस गति को हम क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति। अब आती है दूसरी गति का प्रकार, है दोलन गति। दोलन गति में जब कोई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों तरफ सरल रेखा में गति करती है, तो इस टाइप की गति को हम कहते हैं दोलन गति। जैसे झूला झूलती हुई लड़की, घड़ी का जो पेंडुलम है वो दोनों साइड सरल रेखा में गति करता है, तो ये गति क्या कहलाती है? दोलन गति। लोलक, ये मैंने एक छोटा सा लोलक बनाया है, इसको हम सीधा खड़ा करके इसे ऐसे करके छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा? दोनों तरफ सरल रेखा में गति करेगा अपनी मध्यमान स्थिति के। तो इस टाइप की गति को हम बच्चों को क्लियर करेंगे कि ये गति दोलन गति। अब आती है बात वृत्तीय गति की। जैसे कि मैंने ये यहाँ पर एक मोती ले लिया है, बीट लिया है, और इसको मैं बता रही हूँ वृत्तीय गति में क्या होता है कि कोई वस्तु अपने निश्चित बिंदु, ये एक निश्चित बिंदु है, उसके चारों तरफ, ये देखिए चारों तरफ गति करता है, तो इस टाइप की गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। ये जो गति है वो क्या कहलाएगी? वृत्तीय। ये है निश्चित बिंदु और उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ पर गति हो रही है, तो ये गति क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति। अब बात आती है घूर्ण गति की। घूर्ण गति में आप देख रहे हैं, ये मैंने एक फिरकी बनाई हुई है और फिरकी को मैंने बटन और तार की सहायता से इसको इसमें अटैच किया हुआ है। घूर्ण गति में होता क्या है कि कोई वस्तु जब अपने अक्ष या धुरी पर गति करती है, तो इस गति को हम क्या कहते हैं? घूर्ण गति। अब आप देख रहे हैं ये फिरकी जो है अपने अक्ष पर गति कर रही है, तो ये कौन सी गति कहलाएगी? घूर्ण गति। अगर हम इसके ब्लेड देखें, इस फिरकी के जो कोने हैं, ब्लेड है, इनको देखें, तो ये एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं, तो ये इसके जो ब्लेड है ये वाली गति क्या कहलाएगी? वृत्तीय। और ये वाली गति क्या, अक्ष पर जो घूम रही है, वो कहलाएगी घूर्ण गति। अब बात आती है गति का लास्ट जो प्रकार है उसमें, हम आवर्तीय। इसमें हमने एक घड़ी ली है, इसकी ये सुइयां हैं, आप देख रहे हैं एक घंटा पूरा करने के बाद सुइयां फिर उसी पथ पर दोबारा घूमती हैं, तो ये किस टाइप की गति कहलाएगी? ये कहलाएगी आवर्ती गति। यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद में वो गति फिर से रिपीट होती है। तो इस प्रकार हम बच्चों को इस प्रकार की गति बता सकते हैं, और हम ऐसा भी कर सकते हैं, बच्चों को फिरकी बनाने के लिए कहेंगे और फिरकी बनाने के बाद में बताएंगे घूर्ण गति ये हो गई, वृत्तीय गति ये है, इसको घुमाकर दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हम गति के प्रकार को समझाएंगे, क्योंकि हम जब एग्जाम्पल बताएंगे तो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं नए वीडियोज इसी तरीके से आपके लिए लाती रहूँगी।